नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, घर का दरवाजा ही हमारी सुख समृद्धि और शांति के द्वार खोलते हैं। यह टूटा फूटा एक पल्ले वाला त्रिकोणकार, गोलाकार, वर्गाकार या बहुभुज की आकृति वाला बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। खिड़कियों वाला दरवाजा भी नहीं होना चाहिए, इससे भी निरंतर हमारे जीवन में हानि होती है। तो वास्तु के अनुसार पांच ऐसे चीज है जिसे अगर आप घर के दरवाजे पर लगाते तो आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। ना चाहते भी देवी देवताओं को आपको धन देना पड़ता है। 3 मिनट का वीडियो है, 3 मिनट की वीडियो अगर आज अपने फायदे के लिए पूरा देख लिए तो सारे जिंदगी आपको धन की कमी नहीं होगा। मैं आपको 101% स्टाम्प पेपर पे लिख के गारंटी दे सकता हूँ। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते तो इसमें आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो बाद में चल करके काम जरूर आएंगे, फिर बाद में पछताने से क्या फायदा। मित्रों, तो जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के प्राचीन ज्ञान की अच्छे अच्छे जानकारी आपको भी सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े। पहले नंबर पे आते हैं बंधन द्वार। जी हाँ मित्रों, मुख्य द्वार पे अगर आप जो है आम, पीपल, अशोक के पत्तों का बंधन द्वार लगाते हैं तो इससे वंश वृद्धि होती है। बंधन द्वार इस बात का प्रतीक है कि देवगण इन पत्तों की भीनी भीनी सुगंध से आकर्षित होकर घर में प्रवेश करते हैं और घर को पूरे अन्न धन से भर जाते हैं। ऐसा भी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बंधन द्वार अगर अपने घर के मुख्य द्वार पर कोई भी व्यक्ति लटकाते हैं तो स्वयं कुबेर आकर के उस घर को धनवान बनाते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं मांडना। मांडना को 64 कलाओं में स्थान प्राप्त है, इसे अल्पना भी कहते हैं और द्वार के सामने और द्वार की दीवार पर आसपास यह बनाया जाता है। इसे घर परिवार के जो घर परिवार होता है इसमें मंगल बना रहता है। मांडने की पारंपरिक आकृति में ज्यामिति एवं पुष्प आकृति के साथ ही त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, कमल, शंख, घंटी, स्वास्तिक, शतरंज और पट का आधार, कई सीधी रेखाएं, तरंग की आकृति आदि मुख्य जो है घर द्वार जो है घर के मुख्य द्वार पर बनाए जाते हैं। ये घर में सुख समृद्धि के साथ ही उत्साह का संचार भी करती है। तीसरे नंबर पे आते हैं पंचशूल और सातिया। पंचशूल 5 तत्वों की प्रतीक है, इसे खुली हथेली की छाप को पंचशूल कहते हैं। इसके द्वार के आसपास जो होता है घर के जो मुख्य द्वार होता है उसी के आसपास बनाया जाता है और इसी के साथ ही सातिया अर्थात स्वास्तिक भी बनाया जाता है। सौभाग्य के लिए इसे प्रतीक का उपयोग और महत्व शास्त्रों में बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये स्वास्तिक बना लेते हैं, पंचशूल बना लेते हैं, सातिया बना लेते हैं तो उनके घर पूरे अन्न धन से भरे रहते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। और इसके साथ ही चौथे नंबर पर है गणेश जी की आकृति। भगवान गणेश जी की मूर्ति या उनकी आकृति को द्वार के बाहर ऊपर चित्रित या अंकित किया जाता है। यदि बाहर कर मतलब अंकित करते हैं तो इसे यह बताया जाता है कि उस घर हमेशा अन्न धन से भरे रहते हैं, घर की सुरक्षा स्वयं जो है भगवान गणेश जी करते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। अंतिम नंबर पे आते हैं दहेली हो सुंदर और मजबूत। तो आप क्या करें, जो दहेली के बाहर है अपने जो घर के दहेली है उसके बाहर जो है सात्या बना करके इसकी पूजा अवश्य करें। सात्या के ऊपर में चावल की एक ढेरी अवश्य थोड़ा सा लगा दे, एक एक सुपारी जो है कलवा बांध करके और जो है ढेरी के ऊपर में अवश्य रखा करें। इस उपाय से भी धन का लाभ होता है। और आखिरी में आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो घर के मुख्य द्वार है उसके अगल और बगल में शुभ लाभ अवश्य किसी शुभ मुहूर्त में बंधन से लिखे, इसे भी पूरा घर जो है अन्न धन से भरा रहता है। घर में नकारात्मक चीज़ प्रवेश नहीं कर पाते। अगर कोई भी व्यक्ति जो है हल्दी का थोड़ा थोड़ा छींटे अगर सप्ताह में गुरुवार के दिन मारते रहते हैं तो उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाते, वह घर फिर अन्न धन से भरा रहता है। स्वयं माँ लक्ष्मी, स्वयं भगवान विष्णु घर में प्रवेश करके उस घर को अन्न धन से भर देते हैं। तो आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं। यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।